सो गाइस, आप भी लेना चाहते हैं एक DSLR कैमरा जैसी क्वालिटी वाला स्मार्टफोन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के बेस्ट 5 फोन्स के बारे में, जो कि एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है जिसमें आपको बैक में और फ्रंट में एक दमदार कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। इन स्मार्टफोन में आपको वीडियो और इमेज के लिए एक दमदार फीचर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे कैमरा और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें आपको एक लंबी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ ही आपको एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप एक अपर लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। तो जानते हैं 2021 में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जो कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पाँचवें नंबर का स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F12 M12। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, सेम फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं F12 के बारे में। तो इसमें डिज़ाइन काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 90 हर्ट्ज़ का रेफ्री रेट मिलता है, और इसके साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलता है। और इसके साथ ही साथ आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा, 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। तो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी सैमसंग की तरफ से। इसमें आपको 6000mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो सैमसंग का खुद का एक्सिनोर 850 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 10,000 रुपये के अंडर मिल जाता है। अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, साइड फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, 3.5mm हेडफोन जैक मिलता है। तो अगर आप एक सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप सैमसंग गैलेक्सी F12 के साथ जा सकते हैं। गेमिंग के लिए भी, मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कैमरे पर ज़्यादा फोकस किया है, तो इस स्मार्टफोन को रखा है हमने 4th नंबर पर। तो अब इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 10, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.82 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके साथ आपको 90 हर्ट्ज़ का रेफ्रेश रेट मिलता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिलता है। इसमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। तो इमेज क्वालिटी इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो ये गेमिंग स्मार्टफोन है, 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग कर सकते हैं। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो MediaTek का हेलो G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट मिलता है और ये स्मार्टफोन Android V11 पर रन करता है। तो इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, 6GB रैम, 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 11,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप एक बड़ी रैम और स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इसमें आप अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। तो इन्फिनिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका जो तीसरे नंबर का स्मार्टफोन है वो है मोटरोला G30। तो इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और मोटरोला की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.51 इंचेस की HD+ डिस्प्ले लगी हुई है, और इसके साथ ही आपको 90 हर्ट्ज़ का रेफ्रेश रेट मिलता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, जिससे आप गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथनेस हो जाता है। तो इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड,
2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में 30 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे की ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इससे आप अपर लेवल की इमेज क्वालिटी और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो अब इसमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी विद 20W के फास्ट चार्जिंग के साथ। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिससे आप अपर लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पे रन करता है। इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि बैक में रियर फिंगरप्रिंट है। फेस अनलॉक मिल जाएगा। तो इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, 4GB RAM 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 11,000 रुपये देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा जो कि इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। अगर आप मोटोरोला की तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं बेस्ट कैमरे वाला, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो आपको दूसरे नंबर का स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो ये इंडियन ब्रांड है, तो इसलिए इसी को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो इसमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। और इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपर लेवल की वीडियो और इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको MediaTek का हेलो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिससे आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। तो इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 4GB RAM 128GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 12,500 रुपये देखने को मिलेगी। इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जो कि इसका प्लस पॉइंट है। तो अगर आप एक लेना चाहते हैं माइक्रोमैक्स की तरफ से एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन और इसके साथ ही साथ आपको मिल जाए एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर, तो आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के साथ जा सकते हैं। तो आपका जो पहले नंबर का स्मार्टफोन है वो है रेडमी नोट 10। तो इसको पहले नंबर पे इसलिए रखा है, इसमें आपको एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ इसमें आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसलिए इस स्मार्टफोन को हमने फर्स्ट नंबर पर रखा है और इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो हमने कैमरे को फर्स्ट नंबर पर रखा है, इसलिए इस स्मार्टफोन को फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। तो इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 3D प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो बैक में इसमें आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और इसके फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है, जिससे आप अपर लेवल की इमेज क्वालिटी शूट कर सकते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियो। तो इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप Redmi की तरफ से एक कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं 12K के अंदर। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, अच्छी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। डुअल सिम स्लॉट मिलता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है। फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है। तो गाइस इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो 4GB RAM 64GB का स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपको 12,500 रुपये देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं Redmi की तरफ से एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन और इसके साथ ही साथ आपको मिल जाए एक बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। तो गाइस ये थे 2021 के बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, तो जो बेस्ट स्मार्टफोन से मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर आपको जो स्मार्टफोन पसंद आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम ऐसी कोई वीडियो अपलोड कराएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।